करनवासी बिजली और पानी की कमी नू मंगला डैम तरबेला डैम और कालाबाग डैम ते जो कालाबाग डैम है उसका तो मसला अजे तक स्टिल चल रहा है जी हाँ जी हाँ बिल्कुल तो वह सिलसिला जो सी ना एक्चुअली जो मनसूबे के तहत जो सी ना इन्हों का पहला जो सी इरादा कि दरियाए जेलम के डैम जो है ना बनाया जाए जो फर्स्ट लेकिन उस वक्त बरतानिया हाकम से क्योंकि सारे जानते हैं इंडिया पाकिस्तान की जानते टाइम तो वो जो है ना कि बरतानिया और अमेरिकन कंपनियां ये सारिया इस मनसूबे से काम कर रही थी इन्हों जो है ना वर्ल्ड जो कंपनी सी फाइनेंस करती सी जो आलमी बैंक सी अमेरिकन कंपनी ने सारा ठेका लिया होया सी सारा ते इन्हां दी फिर जदों इंजीनियर उत्थे गए ना ते ओह दरियाए जेलम ते डैम बनाने दी बजाय ना इंजीनियर से ना उन्होंने फिर तजवीज किया कि मंगला डैम बनाया जाए और ये ज्यादा जो है ना बिजली और पानी की कमी नूं अच्छे तरीके नाल एक पूरा कर सकेगा ते ओह उस टाइम विच ये जो है ना फिर इंजीनियर जो सन उन्होंने तजवीज किया सी उस डैम के बारे च ते फिर तकरीबन उस वक्त जो है ना जो पूरे जो इलाका सी उस जिथे तक मैनू इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत कि 50,000 लोग 50,000 लोग मुतासिर हुए सन बेहद बेशुमार जड़े गौन जेरे आब आए सी बेशुमार खानदानी नहीं बल्कि उस टाइम जड़े उन खानदाना नाल जो जुड़ी हुई चाह मुहब्बत सी उन्होंने लोगों की और बेशक वह कच्चे मकान सन लेकिन उन्होंने मुहब्बत सचिया और पक्या सी और आज दिन तक वो यादा और मुहब्बत उन्होंने लोगों मौजूद ने और बेशुमार लोग जो मुतासिर हुए ने उन्होंने मेरा एक अपना खुद जाती मेरे अबाओ अजदाद जो सन मेरे दादा जी उन्होंने भी खनियारे नाल तालक सी और निजामदीन खनियारा च उन्हों का माशाला काफी एक पहला मकान होता सी जो दो मंजिला काफी बड़ा मकान सी काफी जानी मानी लेकिन असी ठीक है तुहाडी सारी गल एक तुसी मतलब पस मंदर उहदा बड़ा खूबसूरत पेश कीता है मतलब वो लोग जदों मुतासर किए ने घरां दे घर उठो गए ने उहदे बाद उन्हां नूं इंग्लैंड का रूट दिखाया गया यूब खान का दौर सी कि तुहानूं इंग्लैंड भेज दिता जाएगा और इंडिया भी कुछ लोग पाकिस्तान च भी डिफरेंट डिफरेंट जगह कोई सियालकोट आबाद हो गया कोई गोजरा फैसलाबाद कोई कराची चले गए मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाकिस्तान दे विच भी उन्होंने अपना अपना लेकिन लोग जड़े इत्थे आ गए ने इंग्लैंड च आ गए ने ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਾਟ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਬ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਬ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤਲਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡੈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲਬਨ 62 ਜਾਂ 63 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਵਾਲ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਸਨ ਲੋਕ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਔਰ ਉਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਫ ਆਏ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਗਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नाज़रीन की मेरी तरफ़ अस्सलाम वालेकुम। शफीक साहब आज जो मौजू है बड़ा ज़बरदस्त मौजू है और जिस हवाले ने उसने जिक्र किया है कि उन्हें लोगों ने जो उतू नकल मकानी करके इतने आए जी जी ब्रैफोर्ड ठीक है उन्होंने हालात बेहतर होए माली लिहाज न तो मेरी नज़र चो काफ़ी बेहतर होए जी। लेकिन जी मुमताज साहब ने गल की है ना वो मुहब्बत वो चाहत जो वो नहीं रही जो पहले आए सी जी, जी। पहले वाकया मकान छोटे सन लेकिन दिल बड़े सन जी जू जू मकान बड़े आने गए लेकिन दिल टुकड़े गए जी तो वो चीज़ रही जदों फिर वो चीज़ तुझे नहीं मिली ना जी चाहत है मुहब्बत है पुरानी फिर वो चीज़ बार बार याद आनी है जी भाई वो दिन बड़े चंगे सन गरीबी सी जिस तरह भी सन लेकिन साढ़े दिन बड़े अच्छे सन बड़े अच्छी मुहब्बत सी प्यार से सब कुछ से जी वो चीज़ सा ना रही जूं जूं तरक्की होनी कि इंसान तो तरक्की की है दौलत इकट्ठी की है मकान बड़े बनाए लेकिन अपने रिश्तियां की दोस्तियां यारियां की थोड़ा दूर होने गए जी उसनी दिन ब दिन उसी च इजाफा होने बजाय कमी होनी रही जी तो अज वो चीज़ नहीं रही जी अज तू 40 साल या 50 साल पहले से जिस वजह से बार बार लोगों के जदों बहने ना कट्ठे होने न तो पुरानी यादा ही याद करने भाई साढ़े बाप दादे या जो असा बचपन गुजारिया है वो बड़ा चंगा वही लोग याद करते हो ना जिन्हें दिलों अज भी मुहब्बत कायम बिल्कुल बिल्कुल याद तो उही करेंगे जी जी तो गिला तो उन्होंने तुम कर रहे हो ना जिन्होंने यादा ही खुरच के मिटाती हैं बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल जी वो लोग जे इच्छा आए ना जे इतनी दौलत होने के बावजूद भी अज उन चीजें याद रखे उन्होंने जी जिसकी जिंदा मिसाल है आवान साहब ने नजमा जी ने लिखने उसने बारे जी 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 जरा उस मुहब्बत ने असर है कि लिखने लगे जी 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 ये भूले उस चीज़ की बिल्कुल और बाकी जितने भी शौरा या कोई अदीब या जो कोई चीज उस हवाले जी मुमताज आवान साहब मैं समझना यूके दे विच वाया थी।